श्रमिक लाए और यही आकर के साथियों को मैं एक बार ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप एक बार यकीन करिए, हमारे ऊपर एक बार विश्वास करिए। जब इस प्रदेश में अवसर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, आपकी जो समस्या है संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है मुखिया लोगों के लिए, उस सारे अधिकार समुचित ढंग से वो पंचायतों को सौंप मजबूत नहीं होगा, ग्राम सभा मजबूत नहीं होगा, तब तक ये लोकतंत्र या डेमोक्रेसी भी मजबूत नहीं होगी। मैं आपको दो तीन दिनों की पहले की घटना बता रहा हूँ। अब आवाज को लेकर के उपायुक्त ने डीडीसी ने बैठक बुलाई थी, हम तो जा नहीं पाए थे, लेकिन हमारे प्रतिनिधि मंडल जा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि सबसे पहला काम ये करना कि उन्होंने ग्राम सभा से भभुआ आवास को योजना को पास कराया है कि नहीं, दूसरा ये देखना पंचायत से भभुआ आवास की पास हुआ है कि नहीं सूची की, तीसरा देखना कि पंचायत समिति जहाँ प्रमुख बैठते हैं वहाँ पास हुआ है कि नहीं, अगर वहाँ पास नहीं हुआ है, इन लोगों की कोई मोहर नहीं है उस समय उस क्या कहते हैं सूची पर, तो जिला में भी वो पास नहीं होना चाहिए। और मुझे ये बताने में खुशी है, हमारे प्रतिनिधि वहां जब गए थे उन्होंने बताया हमें कि किसी का भी कोई स्वीकृत नहीं है, लेकिन सरकार चाहती थी कि जिला में ही प्रस्ताव को पारित कर दे और लोगों ने पारित नहीं किया, और साफ साफ सरकार को बता दिया, उपायुक्त तो क्या कहते हैं डीडीसी को बता दिया कि अगर आपको फिर से सूची ले आना अलग से बैठक करना, लेकिन सबसे पहले सूची कौन बनाएगा ग्राम सभा तय करेगी, सबसे गरीब कौन है वो लोग जानते हैं, मुखिया की जो कमेटी होती है वहाँ पर प्रस्ताव पारित होगी, वो सूची पारित होगी, और तब फिर प्रमुख की अध्यक्षता में जो ब्लॉक में समिति होती है वहाँ पारित होगी, और उसके बाद जिला में आएगा, तब फिर जिला में पारित करना है। मैं इसलिए इस बात का यहाँ मैंने उल्लेख किया, भाई किस प्रकार से हक और अधिकार को इस राज्य सरकार हनन कर रही है, भाई उसमें क्या दिक्कत है आपको, हर कोई चाहेगा कि गरीबों का घर बने, और गरीब में भी जो सबसे अधिक गरीब है पहले उनका बनना चाहिए, इसकी सूची तो अच्छे ढंग से कौन ग्राम सभा कर सकती है, वो तय कर सकता है, मुखिया तय कर सकता है, पंचायत समिति तय कर सकता है। लेकिन उस दिन हम नहीं समझ पाए थे कि आप लोग लगातार या अनिश्चितकालीन धरना पर आप सब लोग बैठे, फिर बाद में कुछ लोग हमसे मिले रास्ते में, खास करके गिरिडीह जिला से थे, संथाल परगना से थे, तो हमने पूछा कि तो लोग क्यों आए हो, क्या है, बताया कि धरना हम लोगों के चल रहा है और अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, तब मुझे समझ में आया कि इसका अर्थ है कि अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, तभी मुखिया लोग पूरे प्रदेश से जिस प्रकार से आप सब लोगों ने जिला का जो बंटवारा किया है कि आज कौन जिला आएंगे परसों कौन जिला आएंगे, उस हिसाब से सब लोग आ रहे हैं, और अनिश्चित काल सुन करके लगा कि आप सब लोगों ने, ये स्थिति तब पैदा होती है जब सरकार मांगों को बताने से नहीं सुनती है, तब फिर लोग तय करते कि हमें अनिश्चित काल तक धरना पर बैठना। आज तो मैं इतना ही आप सब लोगों से बीच कहने के लिए मैं आया हूँ, मुखिया संघ की धारणा के हम साथ हैं, और हम सरकार से भी कहेंगे के मुखिया संघ के प्रतिनिधि मंडलों के साथ बैठ करके सरकार को समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि है ये, वहां के प्रतिनिधि है, जो सबसे जो पहली इकाई होती है लोकतंत्र की, और लोकतंत्र की जो पहली इकाई पंचायत है, अगर हम उनके दर्द को उनकी तकलीफ को हम नहीं सुनेंगे नहीं समझेंगे, तो फिर समाधान हम कैसे कर सकते। और यहाँ आने के बाद तो देखे उधर पंचायत सेवक लोग बैठे हुए, इधर मनरेगा का मैंने देखा, और उधर भी नारा लोग लगा रहे हैं, जल सहिया, जल सहिया है और कंप्यूटर ऑपरेटर, व्यवसायिक संघ सामने, व्यवसायिक संघ भी सामने है,
कहने का अर्थ है कि हाँ कई एक संगठन जो अपनी दर्द और अपनी तकलीफ को बताने के लिए झार करने के लिए महामहिम के समक्ष आ करके लोग बैठे हुए अपनी मांगों को दे, लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार उसको वो देखती नहीं, उसको वो पहचानती नहीं, उस पर उनको कोई चिंता नहीं है। अभी आप सबने देखा कि इस समय वो उत्पाद विभाग में पुलिसों की दौड़ करवा रहे, जहाँ पर दौड़ते दौड़ते नौजवान नौकरी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन एक दो नहीं बल्कि 15-15 नौजवानों भी जान से हाथ धो गए थे, यानी काल के गाल में वो लोग समा गए। आपकी उंगलियां भी बरतेंगी, ये देखिए सर A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।